भगवान कल्कि को पृथ्वी पर भगवान विष्णु का अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवतार बताया गया है। कल्कि भगवान वेदांग और परम दिव्य से युक्त होंगे, इसलिए उन्हें निष्कलंक अवतार भी माना गया है। उनका जन्म विश्व की पूरी ताकतों को नष्ट करके धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए होगा। इस युद्ध में सभी देवताओं के साथ साथ श्री हनुमान जी, परशुराम जी भी कल्कि भगवान का साथ देंगे। जबकि हम सब मनुष्य कलि पुरुष की ओर से युद्ध करेंगे, क्योंकि कलयुग में कुछ चुनिंदा लोग ही कल्कि अवतार को पहचान पाएंगे। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर पीले वस्त्र धारण किए, हाथों में दो तलवार लिए कलि पुरुष को मारने निकलेंगे। वैसे तो कल्कि अवतार का रंग गोरा होगा, लेकिन उनके क्रोध के कारण उनका रंग काला पड़ता जाएगा। भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें सफेद रंग का घोड़ा, देवदत्त और तलवार प्राप्त होगी। भगवान विष्णु के इस दिव्य रूप के पास कई सारी शक्तियाँ होगी। भगवान कल्कि की शक्तियाँ और क्षमता अपार होगी। पावर्स की बात करेंगे तो भगवान कल्कि के पास अष्ट सिद्धियाँ होगी, जो पूरे ब्रह्मांड के पास सिर्फ तीन भगवान के पास है। पहला संकट मोचन हनुमान जी, दूसरे श्री गणेश जी और तीसरे स्वयं कल्कि अवतार। भगवान कल्कि के पास आठ प्रकार की सिद्धियां भी होगी, जिसके प्रभाव से वो किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकेंगे और साथ ही अति सूक्ष्म यानी सबसे ज्यादा छोटे हो सकेंगे और खुद को दुनिया की सबसे बड़ी चीज से भी बड़ा कर सकेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं उन आठ सिद्धियों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आती है अनिमा सिद्धि। अनिमा सिद्धि से भगवान कल्कि खुद को अति सूक्ष्म यानी कि सबसे छोटा बना सकते हैं। अनिमा सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका में माता सीता को ढूंढते समय किया था। उन्होंने अपने आप को अति सूक्ष्म यानी सबसे ज्यादा छोटा बना लिया था और लंका में माता सीता की खोज में निकल पड़े थे। दूसरे नंबर पर आती है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि के अंतर्गत भगवान कल्कि खुद को विराट बना सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने सुषा नामक राक्षसनी को मारने के लिए किया था। जब वह लंका की ओर जा रहे थे, उन्होंने अपने आप को 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। तीसरे नंबर पर आती है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि के द्वारा भगवान कल्कि अपना भार विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी हनुमान जी ने किया था और इसका प्रयोग करके हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। चौथे नंबर पर आती है लधिमा सिद्धि। लधिमा सिद्धि में भगवान कल्कि अपने भार को बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और तेज गति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग भी हनुमान जी ने किया था, जब मेघनाथ के बाणों से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। पांचवी है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि से भगवान कल्कि किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकेंगे और भविष्य को भी देख सकेंगे। छठा है प्रकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि की मदद से भगवान कल्कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर आ जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, पाताल लोक पर भी जा सकते हैं और पानी पर भी जीवित रह सकते हैं। साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। सातवें नंबर पर है इसिद्धव सिद्धि। इस सिद्धि के द्वारा भगवान कल्कि को सारी ही दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी। इसके प्रभाव से भगवान कल्कि अपनी सेना का कुशल नेतृत्व कर पाएंगे। इसके अलावा इसिद्धव सिद्धि से भगवान कल्कि किसी भी मृतक व्यक्ति में जान भी डाल सकेंगे। आठवें नंबर पर है वशित्व सिद्धि। इस सिद्धि के प्रभाव से भगवान कल्कि जितेंद्र होंगे, यानी उन्हें अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। इस सिद्धि के द्वारा वे किसी भी प्राणी को अपने वश में कर लेंगे और फिर अपनी इच्छा के अनुसार उस प्राणी से कार्य करवाएंगे। भगवान कल्कि को ईश्वर विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार बताया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार के आप इस चैनल पर वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। आप इस कलयुग में कौन से भगवान के भक्त हो, आप हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं। तो मिलते हैं नए वीडियो नए अध्याय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।